Do subscribe our YouTube channel by clicking on the red subscribe button and also click on the bell icon to get notification of our latest videos. Hello friends, welcome to my channel again and this is part 2. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट बताया था मैंने हाउ टू गिव अ पब्लिक स्पीच पे इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर मेरा टॉपिक था अगर आपको याद हो और फर्स्ट स्टेप था क्रिएटिंग सस्पेंस. तो मैंने बताया था कि सस्पेंस कैसे क्रिएट करते हैं पूरा डिस्क्राइब किया था और ये मैंने पूरा लिख रखा है अपने टॉपिक के बारे में. तो आप यहाँ से नोट कर ले अगर आपको नोट करना है. तो फिर सेकेंड स्टेप पर आते हैं फ्रेंड्स, रोल ऑफ न्यूज़पेपर. तो सेकेंड स्टेप था रोल ऑफ न्यूज़पेपर. जैसे मेरा टॉपिक है न्यूज़पेपर है तो इसको इस तरीके से बोलेंगे. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट इज़ द रोल ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विटल रोल इन ह्यूमन्स लाइफ. इट हैज़ लॉट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. विदाउट न्यूज़पेपर आर मॉर्निंग इज इनकम्प्लीट एज एवरी वन नोज. तो थोड़ा कैजुअल तरीके से फ्रेंड्स आपको अपनी स्पीच देनी है. और हम फिर आते हैं, हाँ फिर एक और पॉइंट है, न्यूज़पेपर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एंड रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन आवर डेली लाइफ. सो फ्रेंड्स थोड़ा पॉज होके भी बोलना है, हर एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा पॉज होके बोलना है. थर्ड स्टेप, व्हाट इज़ न्यूज़पेपर, मीनिंग बतानी थी. और इस तरीके से बोलना है, नाउ फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट इज़ न्यूज़पेपर. जैसा कि मैंने बताया था कि दो मीनिंग होती हैं, लिटरल मीनिंग एंड सिंबॉलिक मीनिंग. तो लिटरल मीनिंग मैंने यहाँ पे पूरा उसका डेफिनेशन लिखी है, छोटी सी डेफिनेशन. और फिर सिंबॉलिक मीनिंग आप इस तरीके से कम 5 पॉइंट्स दें सिंबॉलिक मीनिंग में. जैसे न्यूज़पेपर मीन्स नॉलेज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था. सिंबॉलिक मीनिंग मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे, सेम एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं. और आप अपने अपने टॉपिक के हिसाब से इस तरीके से सिंबॉलिक मीनिंग लिखें और कम से कम 5 पॉइंट्स तो इस पे लिखें. ओके, नाउ फोर्थ, व्हाई व्हेन एंड वेयर देयर इज अ नीड ऑफ न्यूज़पेपर. सो व्हाई व्हेन एंड वेयर देयर इज अ नीड ऑफ न्यूज़पेपर, इसको कुछ इस तरीके से बोलना है. नाउ फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाई व्हेन एंड वेयर देयर इज अ नीड ऑफ न्यूज़पेपर. इफ यू वॉन्ट टू अपडेट आवर सेल्फ विद द वर्ल्ड वी नीड न्यूज़पेपर. If you want to know about our local areas, we need newspaper. If you want to get good and advanced knowledge, we need newspaper. So friends, आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा focus कर रही हूँ, जो कुछ important words हैं उनको मैं focus कर रही हूँ. तो ऐसा नहीं आपकी volume बिल्कुल एक level पे हो, थोड़ा सा up down अपने अपने volume में करना है. इस तरीके से अगर आप speech देंगे तो काफ़ी effective होगी और सबका ध्यान आपकी स्पीच की तरफ रहेगा. और ये सारे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो आप यहाँ पर दे सकते हैं. इस तरीके से मैंने अपने पॉइंट्स बनाए हैं, आपको दिखेंगे ये. और अब नेक्स्ट पे चलते हैं. इसमें मैंने बताया है वेयर वी यूज़ न्यूज़पेपर. सो अपने टॉपिक के हिसाब से आप सब लिखें इस तरीके से हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उस चीज़ को. तो जैसा कि न्यूज़पेपर आजकल हम हर जगह यूज़ करते हैं. थोड़ा कॉन्फिडेंस बोलने में, आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए आपकी स्पीच में. इस तरीके से मैंने लिखा है कुछ. और फिर फिफ्थ स्टेप पे आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर. तो हर चीज़ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. अगर बहुत सारे टाइप्स हैं तो हम कुछ ही टाइप्स बताएंगे, और अगर उसके थोड़े लिमिटेड टाइप्स हैं तो पूरे डिस्क्राइब हमें करने पड़ेंगे. जैसे कि न्यूज़पेपर, कई तरह के न्यूज़पेपर होते हैं. तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड सम ऑफ दीज आर, तो ये सारे एग्जांपल हैं, नेशनल न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, ब्रॉडशीट, टेबलॉइड. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूज़पेपर एज यू कैन सी हियर, टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर आई मीन. एंड उसके बाद एग्जांपल्स भी मैंने जैसा आपको बोला था कि एग्जांपल्स देने हैं. इससे आपकी स्पीच काफ़ी इफेक्टिव लगेगी, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट होगा स्पीच की तरफ अगर आप एग्जांपल्स भी देंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके डेली लाइफ में यूज़ होती है. तो ये अट्रैक्टिव होगी आपकी स्पीच की तरफ. ओके, तो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं. सो नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट.
step. Employment generation in industry, sixth step. तो मैंने इसमें लिखा है, जैसा कि आपको बताना है, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे कंप्यूटर, चाहे मोबाइल इंडस्ट्री हो, तो उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करना है. न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री एट प्रेजेंट टाइम. ओके, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री गिव्स राइट्स टू राइटर्स, एडिटर्स एंड सो ऑन. इट एम्प्लॉयज मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट फील्ड्स. ओके, सो इस तरीके से आपको लिखना है. और सेवन पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ. ओके, इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ. मैंने अपने न्यूज़पेपर के लिए दो ही पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं. एट प्रेजेंट ये तो हर टॉपिक में ये लाइन ऐड होगी. एट प्रेजेंट टाइम न्यूज़पेपर हैज़ चेंज्ड द लाइफ्स ऑफ पीपल कम्प्लीटली ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, और इट हैज़ मेड लाइफ सो अपडेटेड. और या फिर अगर आपका टॉपिक है मोबाइल या फिर कंप्यूटर, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इट हैज़ मेड लाइफ सो कम्फर्टेबल दैट वी कांट इमेजिन आर कम्फर्ट्स विदाउट इट. ठीक है, सेवन स्टेप है ये. और नेक्स्ट स्टेप एट, कंक्लूजन. कंक्लूजन इज मस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया. और किस तरीके से एंडिंग करनी है, आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको एंडिंग करनी है. एंडिंग अच्छी होनी चाहिए और स्टार्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए. तो एंडिंग इस तरीके से करनी है कुछ. तो ये था हमारी स्पीच, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर. तो फ्रेंड्स, अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करें, अगर आप फॉर्मेट मेरा वाला फॉलो करें, तो आपको सडन अगर कहीं पर बोलेंगे कि स्पीच दो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग पर, तो आपको ये फॉर्मेट काफ़ी हेल्प करेगा. और इस फॉर्मेट से काफ़ी आपकी लंबी स्पीच बन जाएगी. और हर टॉपिक पर ये फॉर्मेट फॉलो होगा. बस थोड़ी जहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर लिखा है, उधर आपका टॉपिक जो है वो वर्ड आ जाएगा. तो इट्स वेरी इजी, सिंपल लैंग्वेज इज़ देयर इन माय स्पीच. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स. And good luck for your speech, friends. Thanks for watching.